मेरा कहना ये है कि ये बार बार ये कहते हैं कि विधायक जी ने कोई ज़मीन खरीद ली है, अब मैंने ज़मीन खरीद रखी है तो उसकी रजिस्ट्री निकलवा तहसील में से, वहाँ कोई रोके क्या? उसी की भी आप जांच करा सकते हैं, आप निकलवा लें। मैंने खरीदी हुई, मेरे कोई रिश्तेदार ने खरीदी हुई, कोई मेरे मिलने जुलने वालों ने खरीदी हुई, उस बाईपास पर ज़मीन खरीद बिक्री हुई नहीं है। पहले नंबर पर ये हुई है तो एक कोई जाट समाज के व्यक्ति ने कुछ दो साल पहले ली है, कोई भरई गाँव का है, वो भी मतलब बाईपास में नहीं, बाईपास से दो तीन खेत पीछे, वो अब की नहीं, वो दो तीन साल पहले रही, उसमें भी हिस्टे लगाए कुछ तीन साल पहले। बाईपास तो अभी एक साल ही हुई, वो तो तीन साल पहले खरीद पर होती है, और उनके पास अगर ऐसे कोई आरोप न लगा देते कि जमीन खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो तो जाएंगे नहीं तहसील में से रिपोर्ट ले लें, क्यों नहीं लेते हैं? अब इन्होंने कहा कि कोरोना में तो इनको मरने की वजह से डर था, अब तो ये देर में जनता के हर काम में आ रही हूँ, दुख में सुख में। आप जब कहाँ चले गए जब कोरोना की बीमारी चली, कोई भी बीजेपी का एक भी प्रत्याशी अगर जहाँ पर आया हो, चाहे तो वो प्रसाद जी घूमे, चाहे वो विष्णु जी घूमे, चाहे वो लाखन जी घूमे, चाहे वो और घूम रहे हैं, चाहे वो जसवंत जी घूम रहे हैं, इनको जब पूछ लो कि जब कोरोना की बीमारी आई, जब आप लोगों को कोरोना से इतना डर को लग गया कि आप एक दिन हॉस्पिटल में नहीं आए, चंबल की बाढ़ आई तो एक दिन चंबल पर ही आए, जब हॉस्पिटल में एक मरीज नहीं था पूरे ज़िले में, पूरा जिला एक मरीज नहीं बचा, जब अगर ये हॉस्पिटल को देखते हैं कब कोरोना की व्यवस्था देख रहे हैं, तो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। आप लोगों ने कोई मालूम है, आप लोगों ने पत्रकार हैं, आपने छापी कि एक भी मरीज नहीं है कोरोना का, भी हॉस्पिटल में आए, जब जिनकी चंबल की बाढ़ उतरेगी चार दिन बाद, जब ये चार दिन पाँच दिन बाद जब ये चंबल पर आते हैं, तो जनता के दुख में और सुख में रहते कहाँ हैं? ये तो सिर्फ फोटो की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना। अब जहाँ कोरोना की जेबू आरोपेगा, कोरोना में क्यों नहीं आए, वामू को रिकॉर्ड की जरूरत दी जाए, जिन्हें वामू तो जिन्हें आना चाहिए ना हॉस्पिटल में, क्या जिनने एक पैसे की थी जनता की सहायता करी हो, या कोई जान दान दाता तो इनने कोई मदद करा, ये पब्लिक के बीच में जब पब्लिक पर संकट आ जा, जिन्होंने क्या कहा बताया कि हमने ये किया है, कोई भी इसके पास कोई भी काम करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई इस पर योजना नहीं है, बस इसके पास तो यही है कि भौंकू की तरह भौंक के देते रहो, रोजाना रोजाना जी देते रहो, बाईपास बाईपास बाईपास, उस बाईपास पर आप मत नहीं करो। जब आपका राज अच्छा आया, मैंने तो अच्छा बुरा खराब बना दिया, आप एक अच्छा बाईपास बना देना जब आपकी सरकार आ जाए, तो जब आप बना देना, और आपकी सरकार रही है 10 साल, जब आपने मुझसे पहले बनवा देना चाहिए, देखो नहीं बनवाया आपने, आपके किसी ने हाथ रोके का, मैंने हाथ रोके का, जब आप बनवा लेते, जब आप विधायक रहे जब बनवा लेते बाईपास, मैंने तो तीन तीन बनवा दिए, बाड़ी बना दिया, सैपुर बना दिया, बस इंडा बन गए, इतनी कॉलेज बनाई दी, एक बाईपास ही जिन्हें दीख रहे हो, इतनी कॉलेज बन गई, उनके बारे में नहीं कहते हैं कि ये कॉलेजों पर काम चल रहे हैं, ये कॉलेज बन गई, इतने हैनीकट बन गए, इतनी गाँव गाँव में रोड बन गई, हर जगह पुल बन रहे हैं, सोने गुज्जा पर सिवर पाली पर पुल बन रहे हैं, वो जिन्हें नहीं दिख रहे कि बाईपास ही दिख रहा है, और बाईपास में अगर ज़मीन खरीदी है बिक्री करी तो आप अभी रजिस्ट्री लेके नहीं निकाल के लाओ, और उसको पब्लिक के आगे पेश करें कि साहब जिनके नाम या जिनके परिवार के नाम या मेरे भाई भतीजे कोई रिश्तेदार के नाम जो जो रजिस्ट्री हुई है, तो आप बोले कि नहीं आप क्यों नहीं बाबा जनता के सामने उसको मेरे को नंगा करो कि साहब जिन्होंने ये बाईपास पर ज़मीन खरीदी है निकालो, मैं पेपर में करवाओ, टीवी पे चलवाओ, आप मोबाइल में रिपोर्ट सहित आप आओ कि भाई जिन जे जिन्होंने जे जे बाईपास निकलवाया इसकी वजह से निकलवाया कि जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उनके पास कोई सामान ही नहीं दुकान में इसकी, मतलब ये तो फ्रीज बल्ब है, ये फ्रीज बल्ब होता ना वो उसका क्या होता है कचरे में फेंका जाता है, तो ये तो सिर्फ गंदगी है, ये कुछ भी नहीं है इसकी दुकान में सामान, मैं पहले भी कह चुका फिर कह रहा हूँ कि आपको जो जनता ने पहले भी ये चार बार हराया, पांचवी बार इसको जनता 30,000 वोटर से ऊपर हराएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनता को रुके ना आप जाकर सर्वे कर लो गाँव गाँव में जनता के कितने विकास के काम हुए हैं, तो इसके पास तो कोई नहीं, सिर्फ ये तो हाईलाइट होने के लिए टीवी पे और मोबाइलों पर हाईलाइट होने के लिए फिर रहा है, कह जाते मेरे को बीजेपी की टिकट का इसका हिला है नहीं, ये चार बार हार चुका, तो अब इसको ये लग रही है कि मेरे को किसी ना किसी में इसको टच करके ना ही मेरे को मतलब मैं ही इसको मतलब टक्कर दे सकता हूँ, तो ये तो सिर्फ बीजेपी की टिकट हथियाने के लिए विधायक के आगे बीजेपी का सरकार तो आगे कांग्रेस की आ रही है, कहाँ मालूम कुदरती बीजेपी की सरकार आ जाए, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ऐसा इनको लग रहा है, तो मैं जाकर ना कोई दलाली कर लूँ,
ये तो सिर्फ दलाली के लिए बनाया है और किसी के लिए ही नहीं। अगर इसे ने विकास कराया जो आरोप तो मैं बहुत लगा दी इसके ऊपर लाइन लगा के लगा दी। और जो समाजों को टारगेट बनाता है, समाजों की बात करें तो समाजों में क्या स्कूल के नहीं रख दूँ, और मेरी किसी समाज से कोई विरोध नहीं, किसी समाज से मेरा लड़ाई नहीं, मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ, पहले भी करता अब भी करता हूँ आगे भी करूँगा। और इसका तो मेरे पर एक ही है, सिर्फ मेरे को इसकी वजह से हाईलाइट होने के लिए ये घटता है और मैं इसको हाईलाइट ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे इसके पास कुछ है ही नहीं, जो खुद ही पहले ही मारा हुआ डरा है, इसको क्या हाईलाइट करेंगे। अब ये तो सिर्फ दलाली के चक्कर में बता कर मेरे को बीजेपी की टिकट मिल जाए और टिकट का जिसका कहीं दूर दूर तक हिला है नहीं, कैसे पहले उनको ही संभाल ले जो 8, 9, 10 कितने लोग मांगने वाले उनको ही संभाल ले। और अब तक जो मेरे से लड़ा ना तो जो बिना टिकट के लड़ा नहीं, 3 बार तो ये टिकट भी लड़ा ना, 1 बार चीफ साहब से हारा, 4 बार तो ये टिकट भी हारो ना, 1 बार हुआ भारतीय का भी हारो, तो कोई फर्क नहीं इसका। ये तो बस भोगता रहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको कोई ज़्यादा वो ही नहीं करता हूँ कि जो फोन है क्या ये तो